एक होता है बॉडी टेम्परेचर, एक होता है सन स्ट्रोक, लू लगना है ना। सन स्ट्रोक कहते हैं लू लगने को, फीवर कहते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाए, और बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको क्या कहते हैं, बॉडी के यूनानी में बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हरारत गरीबा कहलाएगा। बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हरारत गरीबा कहलाएगा है ना, बढ़ जाएगा तो हरारत गरीबा कहलाएगा। अब बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है, यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको हम 37 डिग्री सी कहते हैं और 98.6 डिग्री फारेनहाइट कहते हैं, या 98 से 97.5 से लेकर के 98.6 डिग्री तक का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। यानी किसी भी इंसान का एक बात ध्यान में रखिएगा, 98.6 डिग्री फारेनहाइट जो टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ऑल पीपल, है ना, किसी एक आदमी का टेम्परेचर नहीं। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। किसी 98 वॉन नाम का एक साइंटिस्ट था, है ना, साइंटिस्ट था जिसने ये रिसर्च किया कई कई लाख लोगों पे कि अगर सबका टेम्परेचर लिया जाए तो उनका एवरेज टेम्परेचर क्या आता है। उनका एवरेज टेम्परेचर आया 98.6। कहा गया कि बॉडी का नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री फारेनहाइट है। इसका कतई मतलब नहीं है कि हर आदमी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फारेनहाइट है ना। सबसे बेसिक बात तो ये समझिए, 98.6 डिग्री फारेनहाइट एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर की एक रेंज है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या रेंज है, अगर 97.5 से लेकर के किसी का टेम्परेचर 99 डिग्री फारेनहाइट तक है तो ऑलमोस्ट वो नॉर्मल ही कहा जाता है, नॉर्मल ही कहलाता है। ऐसा नहीं है कि उसको हम फीवर या हाइपोथर्मिया का केस माने, नॉर्मल टेम्परेचर में हुआ, किसी का कम हुआ किसी का ज्यादा। अब ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम किसके किसके जिम्मेदारी है, बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन, जिसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का काम है हाइपोथैलेमस का काम, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। बॉडी टेम्परेचर अगर ज्यादा हीट प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको लॉस करना, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको कंजर्व करना। ये काम है हाइपोथैलेमस का, है ना, ये काम है ब्रेन के हाइपोथैलेमस का ये काम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कुछ भी टेम्परेचर बॉडी में बन रहा है ना, जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है ना, सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन कौन है बॉडी में, और बताएगा, हार्ट। ये हार्ट आंसर गलत हो गया, हार्ट से उतनी प्रोड्यूस नहीं होती जितनी लीवर से होती है। इन नॉर्मल कंडीशन में इंटरनल ऑर्गन प्रोड्यूस मोर हीट, है ना, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बैठे हुए हैं, है ना, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला लीवर है, आपका लंग्स है, आपका ब्रेन है ना, जहाँ फंक्शन हो रहा है तेजी से, वहाँ जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा फंक्शन होगा वहाँ हीट ज़्यादा होगा। इन एक्सरसाइज कंडीशन सबसे ज्यादा हीट क्या कौन प्रोड्यूस करेगा, मसल करेगा, है ना, क्योंकि मसल में उस फंक्शन सबसे ज्यादा हो रहा होगा तो मसल की हीट ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि हीट प्रोडक्शन जो है बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स के काम है, जहाँ से हीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इस वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से, सब वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अब सवाल ये उठता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से हीट क्यों प्रोड्यूस, हाई मेटाबॉलिक रेट हाई हीट का प्रोडक्ट है, हाई एटीपी सिंथेसिस हाई हीट, हाई एटीपी एक्सपेंडिचर हाई हीट का प्रोडक्ट। हाई मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हीट क्यों प्रोड्यूस करती है, अगर किसी इंसान का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो उसमें हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उसी को हम कहते हैं बीएमआर। बसल मेटाबॉलिक रेट पहले ही बता चुके हैं, बसल मेटाबॉलिक रेट मतलब पर यूनिट एरिया में जितना हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम बसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। स्टैटिक कंडीशन इन्वेस्टिंग कंडीशन, और मेटाबॉलिक रेट किसको कहते हैं, मेटाबॉलिक रेट उसको कहते हैं जबकि फंक्शन कर रहा हो इंसान तो उसका उसका मेटाबॉलिक रेट कितना है वो कहलाता है मेटाबॉलिक रेट। और बसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है इन स्टैटिक कंडीशन या इन बसल कंडीशन या इन्वेस्टिंग। अब सवाल ये आता है कि ये हीट का प्रोडक्शन, इस हीट का प्रोडक्शन क्यों हुआ,
बॉडी में हीट का प्रोडक्शन क्यों हो, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, एनी वेयर जहाँ भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, जहाँ पे एनर्जी खर्च होगी वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन, जहाँ भी एनर्जी यूज हो रही है वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन होता है। बिकॉज किस कंसेप्ट के थ्रू, किस कंसेप्ट के थ्रू, कि 100% एनर्जी नेवर बी कन्वर्टेड इन टू वर्क, 100% एनर्जी इज नेवर बी कन्वर्टेड इन टू वर्क, सब पार्ट ऑफ हीट कन्वर्ट, सब पार्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट, ये फिजिक्स का फार्मूला है। यही फार्मूला बॉडी में भी अप्लाई होगा, जहाँ ज़्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा वहाँ हीट प्रोड्यूस होगी और वही हीट मेंटेन होगी कितने पर, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या जो भी है जिसको आप नॉर्मल टेम्परेचर मान रहे हैं, उसी की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा। अब हमें ये क्लियर है कि जब तो कोई भी इंसान ज़्यादा फंक्शन करेगा तो उसमें हीट ज़्यादा होगी, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बॉडी वर्क करती है जिसको 37 डिग्री सी मानते हैं, उसी में सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होनी है प्रॉपरली, उसी में डाइजेशन प्रॉपर होना है, उसी में ब्रेन का फंक्शन प्रॉपर होना है, उसी में हार्ट का फंक्शन प्रॉपर होना है, हीट जितना भी प्रोड्यूस हो बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी कभी भी अपने इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देती, कभी भी अपने इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देती है, इंटरनल टेम्परेचर को हमेशा कॉन्स्टेंट रखना चाहती है, कितने पे कॉन्स्टेंट रखना चाहती है 37 डिग्री, और उसको हम कहते हैं कोर टेम्परेचर, एग्जैक्टली वो 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड है जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, बॉडी का कोर टेम्परेचर। आप जितने भी ठंड में रहें, आप जितने भी गर्मी में रहें, लेकिन बॉडी का कोर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बॉडी का कोर टेम्परेचर नहीं रहेगा कितना 37.1, और उसी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा ब्लड का, जिसकी वजह से हीट जो है बाहर की तरफ जा सके, 37.1 डिग्री या 37 डिग्री पर कोर टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर मतलब इंटरनल टेम्परेचर, स्किन का टेम्परेचर कुछ भी हो, स्किन का टेम्परेचर 20 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है, उससे भी मतलब जैसा इन्वायरमेंट रहेगा उसी हिसाब से स्किन का टेम्परेचर होगा। अगर अपने स्किन पर बर्फ रख ले तो टेम्परेचर स्किन का 30 से गिर जाएगा, है ना, बॉडी का टेम्परेचर 30 से गिर जाएगा। और हाँ, अब यहाँ पे एक सवाल आता है इसमें, तो बॉडी जो अपनी जितना भी हीट का प्रोडक्शन हो रहा है वो हीट को किस किस तरह से लॉस करती है, है ना, बॉडी को हीट लॉस, हीट लॉस का फिजिक्स है क्या, फिजिक्स है, हीट लॉस तीन तरह से हो सकता है, एक हो सकता है रेडिएशन के थ्रू, एक हो सकता है एवोपोरेशन के थ्रू, एक हो सकता है बेसिकली चार तरह से, कंडक्शन के थ्रू, और एक हो सकता है कन्वेक्शन के थ्रू, चार तरीके हैं हीट को ट्रांसफर होने के, बेसिकली हीट ट्रांसफर के चार फार्मूले हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, इवोपोरेशन और कन्वेक्शन, चार है। सबसे ज़्यादा हीट किस प्रोसेस से लॉस होती है, पर पता है, मान लो आ ही गया, मैक्सिमम हीट लॉस बाय द बॉडी रेडिएशन, इवोपोरेशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, क्या आंसर होगा, कोई बता सकता है, चारों में से अगर आ गया मैक्सिमम हीट लॉस बाय द बॉडी, रेडिएशन, कंडक्शन, इवोपोरेशन, कन्वेक्शन, चारों हीट ट्रांसफर के फार्मूले हैं, तो क्या आंसर होना चाहिए, कोई भी बताओ, गलत सही जो भी कौन बताएगा, एनीवन, एनी गेस, देखिए सबसे ज़्यादा जो हीट पड़ने वाले हैं रेडिएशन के थ्रू हीट जो है लॉस होती है, जब हमें पता नहीं कि नॉर्मल कंडीशन, चेंजेस कब आएंगे, जब आप बहुत हीटअप कंडीशन में हो, बहुत कोल्ड कंडीशन में हो, तो वो चीज़ें बदल जाएंगी, बट इन रेस्टिंग कंडीशन मैक्सिमम हीट लॉस बाय द रेडिएशन। अब रेडिएशन है क्या चीज़, रेडिएशन का मतलब होता है रेस का निकलना, अब ये भी पता होना चाहिए कि हीट जो है किस रेस की वजह से आती या जाती है, कौन बताएगा, हीट को मूव करने का जो रेज है, अलग कई सारे रेज है, विजिबल रेज है, अल्ट्रा रेज है, गामा रेज है, बीटा रेज है, इंफ्रारेड रेज है, है ना, इतने सारे रेज निकल के आ रही है, इससे कौन सा हीट ट्रांसफर करता है, इसमें से कौन सी रेज है जो हीट ट्रांसफर करती है, कौन बताएगा, याद रखिएगा, इंफ्रारेड रेज जो है, इंफ्रारेड रेज हीट ट्रांसफर का काम,
इंफ्रारेड रेस हीट ट्रांसफर करती है। इंफ्रारेड का क्या, इंफ्रारेड रेस का मतलब क्या हुआ, जिसकी रेड से इंफ्रारेड रेस हीट ट्रांसफर करती है। तो हमारे बॉडी से भी इंफ्रारेड रेस निकल करके एनवायरमेंट में जा रहा है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम बॉडी टू एनवायरमेंट। ये बात पहले मालूम होना चाहिए रेडिएशन के, ये एक प्रोसेस है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये रेस निकल के एनवायरमेंट में जा रही है। ये कब तक जाएंगी, ये तब तक जाएंगी जब तक के बाहर का टेम्परेचर कम है और अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये रेस जो है इंफ्रारेड जो है बॉडी से हीट लॉस कराती रहेगी, जो भी हीट का प्रोडक्शन हो रहा है मैक्सिमम, अगर 37 डिग्री से ऊपर जा रहा है या जितना भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको टेम्परेचर में मेंटेन करने के बाद उस सब बाहर जाएगी थ्रू रेडिएशन। ये एक मेथड है। हीट ट्रांसफर के चार मेथड हैं, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और इवोपोरेशन। ये हुआ रेडिएशन। सेकंड मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन किस हुआ है, जब आप किसी बॉडी के टच में हैं, जाहिर सी बात है क्या होता है, जब आप किसी, मान लीजिए कोई चीज़ ठंडी है, ठंडी रॉड है, अगर आप उसको पकड़े रहेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जो है हीटअप हो जाएगी। उसके क्यों होगा ऐसा, जो सरफेस टच कर रहा है आपकी बॉडी से उसका हीट उसमें टच के थ्रू जा रहा है, उसको हम कहते हैं कंडक्शन। एक होता है इवोपरेशन। इवोपरेशन मतलब वाटर का भाप बन करके उड़ जाना है ना, इवोपरेशन का मतलब है ना, इवोपरेशन का मतलब है वाटर का भाप बन करके उड़ जाना, उसको कहते हैं हम इवोपरेशन। बॉडी से ये हमेशा होता रहता है, जो है ना, जो हमें पता भी नहीं चलता लेकिन इनसेसिबल लॉस ऑफ हीट इस तरह से होते हैं। वाटर जो है वाटर वेपर के इसलिए उसके बाद इवोपरेशन कहलाता है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं इवोपरेशन। स्पीकिंग में बहुत आम पर कन्वेक्शन क्या होता है, जब हीट टच करे स्किन के अंदर तो जो गर्म वाला पार्ट होता है वो उसको ट्रांसफर होता रहता है, चाय बनती है ना तो मिक्स होता रहता है, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो ये चार फिजिकल मेथड है जहाँ से हीट कंटिन्यू ट्रांसफर होते रहे, सबसे ज़्यादा रेडिएशन इंफ्रारेड दिखाई नहीं देता। इन नॉर्मल कंडीशन रेडिएशन होता रहेगा, 63% तक जाता है हमें एहसास नहीं होता। क्यों, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है और अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है। ये कंटिन्यूस होता रहेगा तब तक जब तक बाहर का टेम्परेचर कम है। कभी भी अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट की टेंडेंसी क्या है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। रेडिएशन जब भी होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जब कभी भी सिचुएशन उलट जाएगी, यानी कि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री होगा और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रखना है, तो वहाँ से हीट जो है बॉडी में आने लगेगी थ्रू रेडिएशन। इन्वायरमेंट से क्या होगा, इंफ्रारेड जो है जिससे गर्मी लगती है, गर्मी लगती है ना, गर्मी का एहसास होता है, बॉडी की तरफ आने लगेगा, तो रेडिएशन का मैग्नेट जो है वो उड़ जाएगा। जब रेडिएशन का मैग्नेट उलट जाएगा तो फिर इवोपरेशन का मैग्नेट काम आएगा, जिसमें शूटिंग होगी, तब इवोपरेशन का मैग्नेट शूटिंग होगी जिससे इवोपरेशन का मैग्नेट काम आएगा। अब इस बॉडी टेम्परेचर को उसी कंडीशन में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर को उसी कंडीशन में रखने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। और वो हाइपोथैलेमस में जो दो पॉइंट है, जो हॉट सेंटर कह रहे हैं और कोल्ड सेंटर कह रहे हैं, दो सेंटर है हाइपो सेंटर में, इस जब कभी भी ज़्यादा वहाँ पे एक टेम्परेचर फिक्सेशन है जिसको हम कहते हैं सेट पॉइंट। ये बात याद रखिएगा, सेट पॉइंट जो है टेम्परेचर फिक्सेशन है। जैसे आप रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर, एसी का टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं 25 डिग्री सी, तो 25 डिग्री सी को ही बनाए रखता है। 30 डिग्री सी का 16 डिग्री करेंगे तो 16 डिग्री को ही बनाए रखेगा। इसी तरह से बॉडी में हाइपोथैलेमस में जो सेट पॉइंट है वो फिक्स है कि बॉडी का टेम्परेचर हर हाल में, कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी जाड़ा पड़े, बरसात हो, उससे मैटर नहीं, रेडिएशन हो रहा नहीं रहा, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी ही इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन है इन ऑल सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट इन डिफरेंट वे, जिसको हम फीवर कहते हैं या सनस्ट्रोक की बात आएगी, वो एक अलग चीज़ है। फीवर किसको कहेंगे, जब बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाए और बॉडी ने क्या फिक्सेशन कर रखा है, हाइपोथैलेमस में वो टेम्परेचर जो 37.8 डिग्री सी है वो फिक्स है, इसको इसी पॉइंट पर रखना है, जैसे एसी का फिक्स करना है ना, बाहर कितनी भी गर्मी हो रूम का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सी ही रहे, एसी वैसे वो काम करता है क्या, इसमें बाहर का टेम्परेचर जितना भी उस वक्त आपने उसको फिक्स कर रखा है, तो क्या करता है वो
हीट को ले जाता है, उसको कूल करता है, फिर हमें पता चलता है। सेम इसी तरह से बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री सी में, इंटरनल टेम्परेचर, बाहर इंटरनल टेम्परेचर जिसको कोर टेम्परेचर कहते हैं, उस कोर टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तेजी से हीट लॉस करेगा, और इंटरनल टेम्परेचर घट रहा है तो तेजी से हीट गेन करने की कोशिश करेगा, और 37 डिग्री सी पे बना के रखेंगे। लेकिन फीवर क्या है, फीवर है वेन इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज, जो हम नापते हैं बेसिकली वो इंटरनल टेम्परेचर नापने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हम एक्सियल पॉइंट में देखें, चाहे हम रेक्टल पॉइंट में देखें, चाहे ओरल पॉइंट में। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे आता है, एक्सियल में, रेक्टल में या ओरल में? रेक्टल, रेक्टल में आएगा क्योंकि वो बिल्कुल इंटरनल मूवमेंट से टच में है ना। ओरल में दे रहे तो वहाँ सलाइवा भी है, एक्सियल में दे रहे तो आइसक्रीम भी है, पसीना आया हुआ है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर करेक्ट आता है ना। अब ये जो फीवर है जिसको हम उम्मीद कर रहे हैं, फीवर जिसको हम कर रहे हैं, फीवर क्या है, बेसिकली इंक्रीज इंटरनल टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट, अबव द सेट पॉइंट मतलब है जब 37 डिग्री सी से ज़्यादा का टेम्परेचर, मान लीजिए 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, किसी को 101 फीवर आ गया। इस 101 फीवर का जो मीनिंग है, वो 101 फीवर का मीनिंग क्या है कि हाइपोथैलेमस में जो पहले फिक्सिंग थी 37 डिग्री सी की, अब वो फिक्सिंग बदल गई, अब क्या है उसका टेम्परेचर किसी ने, जैसे एसी का हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह से हाइपोथैलेमस में जो पहले सेट पॉइंट 37 डिग्री सी था, अब वो सेट पॉइंट 38 डिग्री सी हो गया है, रीजन कुछ भी हो, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी सारे उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी, जितना सेट पॉइंट है उतनी रहेगा, जितना आप एसी का रखेंगे उतनी टेम्परेचर मेंटेन होगा। सेम इसी तरह से हाइपोथैलेमस में किसी वजह से सेट पॉइंट जो 37 डिग्री सी था, अब वो बढ़ करके क्या हो गया, 38 डिग्री सी। अब जब 38 डिग्री सी हो गया तो यही आपका क्या है, फीवर है। अब इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बॉडी काम करना शुरू कर, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी काम करना शुरू कर, कैसे करेगी, अब ये होगा किस वजह से, वाई सेट पॉइंट इंक्रीज, वाई सेट पॉइंट इंक्रीज इन द वाई, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, क्यों ऐसा होगा है ना, क्यों ऐसा होगा कि सेट पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेट पॉइंट इंक्रीज करने की वजह क्या होगी। सेट पॉइंट इंक्रीज करने की वजह होती है वो केमिकल जो बॉडी में बन रहे हैं, ठीक है, बॉडी में जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, बॉडी में किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, वेन एवर बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्ट द बॉडी, वेन एवर जब कभी भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में आता है, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, उस बैक्टीरिया के उस वायरस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, उन केमिकल्स को हम कहते हैं साइटोकाइंस, अभी बहुत जिक्र आ रहा था कोरोना में, कई तरह के साइटोकाइंस होते हैं। जो टेम्परेचर को बढ़ाने वाला जो साइटोकाइंस है, जो सेट पॉइंट को चेंज करने वाला साइटोकाइंस है, उसका नाम है इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 3 सारे, लिकोट्रीन, लिकोट्रीन अलग चीज़ है। अब लिकोट्रीन भी एक साइटोकाइन है और इंटरल्यूकिन भी एक साइटोकाइन है। इंटरल्यूकिन जो है बेसिकली इंटरल्यूकिन फर्स्ट क्या करता है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट बेसिकली इन्वॉल्व होता है टेम्परेचर को सेट पॉइंट को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को नहीं, टेम्परेचर का बढ़ना और सेट पॉइंट का चेंज होना दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा। सेट पॉइंट को हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को क्या करना, अल्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरल्यूकिन फर्स्ट। और ये भी इंटरल्यूकिन का मीडिएटर क्या है, इस इंटरल्यूकिन फर्स्ट का मीडिएटर है जो बनाएगा वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा केमिकल है, प्रोस्टाग्लैंडिन। इस इंटरल्यूकिन का मीडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन को फॉर्म करेगा। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, इस इंटरल्यूकिन की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन के वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन के वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो है बॉडी का सेट पॉइंट चेंज हो जाएगा, सेट पॉइंट चला जाएगा 38। अब जब ये क्या पता चल रहा है, इसमें ये पता चल रहा है कि बैक्टीरियल
और वायरस जो इम्यून सिस्टम काम कर रहा है उस पर मोस्ट ऑफ द अभी टेस्ट भी हो रहा था, है ना, अभी टेस्ट भी करा रहे थे कि साइटोकाइन्स कितने हैं, लिक्विड कितना है, प्लेटलेट कितना है। इंटर जब तक इंटरल्यूकिन बनता रहेगा तब तक जो है सेट पॉइंट कितना रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, तकिए डिग्री से। तो पूरी बॉडी सेट पॉइंट के ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि पहले उसका 37 डिग्री सी था, अब उसका सेट पॉइंट हो गया 38 डिग्री सी। तो जब 37 डिग्री सी था, अब 38 डिग्री सी तक ले जाना है किसको, बॉडी के टेम्परेचर को, इंटरनेट को फीवर करें। फीवर का मतलब ये है सेट पॉइंट चेंज हो जाए, पहले 37 था अब 38। तो 38 अब क्या होगा, जब आपका सेट पॉइंट चेंज हो, जब आपका सेट हो गया, जैसे आपको देखिए हमें आप एहसास होगा आपस में लोग बात भी करते हैं, अगर आपको किसी इससे आए हैं, है ना, मान लीजिए आपको ठंड लग रही है, हल्का ठंड लगने शुरू, तो आदमी पहले से इंडिकेट कर लेता है कि फीवर आने वाला है ना, आप